प्रदेश के आगरा में 57 मुस्लिम परिवारों का धर्म परिवर्तन का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ संसद में मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है, तो वहीं अब बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी बयानबाजी करके इस मामले को और भी गर्मा दिया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद आदित्यनाथ ने कहा कि अब अलीगढ़ में भी हम धर्मांतरण समारोह का आयोजन करेंगे। आदित्यनाथ ने आगरा मामले में कहा कि यह धर्मांतरण एक घर वापसी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा अलीगढ़ में प्रोग्राम है और यह होगा। जो खुद से घर वापसी करना चाहते हैं उनका स्वागत है। गौरव की ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इस क्रिसमस के मौके पर अलीगढ़ में 5000 से अधिक मुस्लिम और ईसाई लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल किया जाएगा। तो वहीं इस मसले पर संसद में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मामले पर सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मुद्दे पर हंगामा करना ठीक नहीं है। नायडू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। सरकार चाहती है कि धर्म परिवर्तन रोकने के कानून बने। बता दें कि आगरा में हुए कथित धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राजद, वामदल समेत कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने आज लोकसभा में जमकर हंगामा किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।